हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फ्रेंड के हेयर को कट करने वाली हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही इजी तरीके से घर बैठे ही अपने फ्रेंड के हेयर को आप भी कट कर पाएंगे और आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे फालतू पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, स्किप किए बिना। तो सबसे पहले हमें एक कॉम चाहिए, हमारे हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है। तो बीच में से हम मांग बना लेंगे और दो साइड मांग बना के हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। जो उलझे बाल है वो ना रहे और ठीक हो, ठीक से हमें कॉम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से मेरे हेयर को कॉम कर लिया है और उलझे बाल को सही कर लिया है। अब हमें बीच में से वी शेप में हमारे हेयर को ले लेना है और बाकी जो पीछे के बाल है ना, उसे हमें पीछे करके अच्छे से एक क्लेचर लगा लेना है, जिससे कि पीछे की बाल आपको डिस्टर्ब ना करे और आप एकदम आसानी से आपकी हेयर को कट कर पाए। फ्रेंड्स, मैंने बी शेप में मेरे हेयर को ले लिया है। अब जो बाकी के जो हेयर है इसको मैं पीछे लेके एक क्लेचर से अच्छे से सिकोर कर लूंगी, जो ये पीछे की बाल है ये सामने ना आए और मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये देखिए पीछे की जो हेयर को है मैंने क्लेचर से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब इस हेयर को हमें थोड़ा सा पानी से भिगो लेना है, जिससे कि ये जो उलझे हुए बाल है ना, ये इधर उधर नहीं होगा और आप इजीली एकदम आसानी से आपकी हेयर को कट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा पानी लगा लेने से बराबर भी रहेगा आपके जो हेयर है और आप आसानी से अपने हेयर को कट कर पाएंगे। तो देखिए, पानी से मैंने हेयर को भिगो लिया है। अब जो ये हेयर है इसको मैं ऐसे तिरछा कर लूंगी। तिरछा करने के बाद मैं हेयर को कटूंगी। इससे जो है आपकी हेयर है तो वो एकदम इजीली कट हो पाएगा। और मैं इसलिए ऐसे तिरछा कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरे हेयर को ज़्यादा छोटा करके नहीं काटूंगी, इसको मैं इतना लंबा रखूंगी कि मैं अपने कान तक इसको ला पाऊँ मेरे हेयर को। तो देखिए, मैंने ऐसे साइड कर लिया है, अब हेयर को मैं कट करूंगी। तो ये देखिए नाइफ ले लिया है मैंने, अब नाइफ से मैं कट कर लूंगी। तो इसको ना ऐसे ऊपर से मैं ऐसे तिरछा करके काटूंगी, क्योंकि फिर ये देखने में मेरे हेयर जो है अच्छे लगेंगे। तो देखिए, ऊपर से लेके मैं नीचे लेके आ रही हूँ नाइफ को, जिससे कि जो मेरे हेयर है ये देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए, इतना सारा मैंने अपनी हेयर को कट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ तक आ रही है ना। अब मैं फिर से थोड़ा सा और छोटा करूंगी। तो फिर देखिए, आपको अगर ज़्यादा छोटा करना है तो आप क्या करिए, ये जो आपकी हेयर है इसको लेके थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कीजिए, ऐसे ट्विस्ट करके फिर जाके देखिए ये जो एक्स्ट्रा हेयर है ये रह गया है। अब मैं इसे कट कर दूंगी और नीचे में देखिए तो ये थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको मैं बराबर में कट कर लूंगी। तो मेरा नाइफ जो है नीचे गिर गया था, अब कैंची से मैं अच्छे से इसको कट कर लूंगी। तो देखिए कि फिर से कट किया है इसको। तो
ये बराबर में है तो मैं इसको ना थोड़ा सा तिरछा करके काटूंगी, जैसे कि ये देखने में और अच्छा लगे, ये तिरछा रहेगा देखने में, तो मैं इसको तिरछा करके काटूंगी। तो तिरछा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये सामने मैंने हेयर को अच्छे से कॉम कर लिया है, अब इसको मैं तिरछा करूंगी। तो ऐसे में कैची नीचे से ऊपर लेते जाऊंगी, जिससे कि ऊपर के जो हेयर है ये छोटा होता रहेगा और नीचे के जो हेयर है वो लेंथ में लंबा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा ज़्यादा किया है और इसको थोड़ा सा लंबा रखा है, तो ये तिरछा हो गया, जो हमारे हेयर है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। अब देखिए ये तिरछा करके आ रहा है तो देखने में ये अच्छा लगेगा। अब मैं बाल को छोड़ के आपको दिखाती हूँ ये देखने में कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, तो मेरा जो हेयर है कुछ मैंने अच्छे से कट कर लिया है और फ्रंट के जो हेयर है वो तिरछे में है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो है थोड़ा सा लेंथ में लंबा है और जो ये मैंने हेयर को काटा है, ये सामने वाले जो हेयर है ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए सामने के जो हेयर मैं काटी हूँ अभी, तो ये सामने के हेयर है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसको ना मैं अपने कान पे भी ऐसे करके रख सकती हूँ। तो मैंने ज़्यादा छोटा करके अपने हेयर को नहीं काटा है, अगर आपको छोटा काटना है देखने में थोड़ा सा आपके यहाँ तक पड़े तो आप ऐसा करना, यहाँ से तिरछा होके कट करते रहना आपके हेयर को, तो ये जो नीचे की हेयर है ये लंबा रहेगा और ये बाकी के जो हेयर है वो छोटा होता जाएगा, तो वो ऐसे तिरछे में गिरेगा ना जो आपका आपकी हेयर, तो वो देखने में और अच्छा लगेगा। तो आपको मैंने जो हेयर कट दिखाया है अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।